पॉपुलर कार मेकर कंपनी महिंद्रा इस समय टाटा मोटर्स के बाद चौथे पायदान पर है। महिंद्रा की एक्सयूवी कारों को खूब पसंद किया जा रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में थार से लेकर स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ियां हैं। हालांकि कंपनी की एक साल पुरानी कार के आगे महिंद्रा स्कॉर्पियो और थार जैसी दिग्गज कारें भी पिछड़ गईं। कंपनी ने दिसंबर 2022 में 28,333 कारें बेची है। इसमें यूटिलिटी व्हीकल कारें और वैन शामिल है। यहाँ हम आपके लिए कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। महिंद्रा बोलेरो कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार है। यह हर महीने कंपनी की बाकी सभी कारों से ज़्यादा बिक रही है। सालों पहले लॉन्च हुई महिंद्रा बोलेरो को गांव से लेकर शहर तक पसंद किया जा रहा है। दिसंबर महीने में इसकी 7,311 यूनिट बिकी हैं, जबकि इससे एक साल पहले दिसंबर 2021 में इसकी 5,314 यूनिट बिकी थी। इस तरह सालाना आधार पर बोलेरो ने 37.58% की ग्रोथ दर्ज की है। बात बाकी मॉडल की करते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो लिस्ट में दूसरे पायदान पर रही। इसकी बीते महीने 7,003 यूनिट बिक पाई। ग्रोथ के मामले में हालांकि यह सबसे आगे रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने ईयरली बेसिस पर 300% की ग्रोथ दर्ज की है, क्योंकि दिसंबर 2021 में इसकी 1,757 यूनिट बिकी थी। बता दें कि 2022 में कंपनी ने पुरानी स्कॉर्पियो को एक नए अवतार में स्कॉर्पियो क्लासिक नाम से उतारा, जबकि स्कॉर्पियो एन के नाम से एक नया मॉडल लॉन्च किया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक्सयूवी 700, चौथे नंबर पर एक्सयूवी 300 और पांचवे पर महिंद्रा थार रही, जहां एक्सयूवी 700 की 5,623 यूनिट और एक्सयूवी 300 की 4,850 यूनिट बिकी है। वहीं लिस्ट में पांचवे नंबर पर रही महिंद्रा थार की कुल 3,374 यूनिट बिकी। इन कारों को लेकर आपके मन में क्या है, कमेंट करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आजकल न्यूज़। नमस्कार।